सर मेरा भी फेवरेट सॉन्ग, अभी गाना चालू था क्या? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माइक बंद करना भूल गया था। चलो ठीक है, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है वो। ठीक है ठीक है, चलो हाँ बेटे, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटे ये रहा आपका, यही होना चाहिए, हाँ यही है। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा बैकवर्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर फोर। चलो बेटे जल्दी से फटाफट पढ़ना शुरू करो। यस सर, पढ़ रहे हैं। हाँ, राज लिमिटेड प्रिपेयर देयर अकाउंट ऑन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हैज बीन टेकन ऑन 10 अप्रैल 2019। इनको अपना फाइनल अकाउंट बनाना है 31 मार्च को, लेकिन इनकी जो एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हुई है वो एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हुई है बेटे 10 अप्रैल को, यानी अकाउंटिंग पीरियड के बाद। हमारा जो ईयर एंड है, हमारी जो डेट ऑफ एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है, उसके बाद में इन्होंने अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन की है। स्टॉक की वैल्यूएशन यहां पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन ही हुआ है, और फिजिकल वेरिफिकेशन 10 जुलाई को हुआ है, और इसमें स्टॉक निकल के आया है 1,25,000। इट हैज बीन फाउंड दैट शेयर सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक एंड रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डे ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक। जिस दिन गुड्स वापस मिलता है बेटे, उसी दिन हम इसको अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज बुक ऑन द डेट ऑफ इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, यानी जिस दिन हमको इनवॉइस मिला उस दिन हम अपनी अकाउंट की बुक में परचेज की एंट्री बना देते हैं। सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल 2019 अमाउंटिंग टू ₹20,000 एज पर सेल्स डे बुक। फ्री सैंपल फॉर द बिजनेस प्रमोशन इश्यूड ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 टू 9 अप्रैल 2019 अमाउंटिंग टू ₹4,000 एट कॉस्ट। उसके बाद ये कह रहे हैं परचेज ड्यूरिंग, अच्छा ये तो हो गया। Invoices of the goods purchased, invoices of the goods purchased amounting to ₹20,000 were entered on 28th March, but the goods were not included in the stock. Rate of gross profit is 25% on cost. Ascertain the value of stock as on 31st March. अब यहां पर भी जो क्वेश्चन है, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहां पर भी जो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन पूरी तरह से बिखरा हुआ सवाल है। बिखरा हुआ सवाल मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कई टाइप के मल्टीपल ट्रांजेक्शन को एक ही क्वेश्चन के अंदर भर दिया है, और ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन में हर एक ट्रांजेक्शन में जो बात होती है उस बात को सोचने का तरीका हमारा बदल जाता है। वहां पर एक नया कंसेप्ट होता है, वहां पर हमें कुछ अलग ही इमेजिन करना होता है। और अगर मैं कहूं कि व्हाट अबाउट द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इट्स कंप्लीटली इमेजिनेशन। यहां पर आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है कि आप किन किस किन चीजों को कितने अच्छे तरीके से इमेजिन करते हैं। आओ दोस्त क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। सर इसको बैकवर्ड कैलकुलेशन क्यों कहा गया है, पहले मैं समझा दूं आपको। क्वेश्चन की जो पहली लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन की जो पहली लाइन लिखी हुई है बेटे, क्वेश्चन की पहली लाइन कहती है राज लिमिटेड प्रिपेयर देयर अकाउंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इनका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को होता है ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ ऐसा हुआ जो हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, जो हमारे बस में नहीं था, विच इज बियॉन्ड आर कंट्रोल। सर्कमस्टेंसेज एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 10 अप्रैल 2019, यानी बेटे 31 मार्च 2019 को अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है और इन्होंने स्टॉक की वैल्यूएशन कर रखी है, एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हुई है 10 अप्रैल 2019 को। अब 10 अप्रैल 2019 को जो स्टॉक हमारे पास में है, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास में है, उसी में कुछ एडजस्टमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बेटे पीछे वाली डेट से आगे आना है, आगे वाली डेट का स्टॉक आपके पास में है और इस पीरियड में जो हो चुका है उनके इफेक्ट कैंसल करते हुए आपको वापस जाना पड़ेगा पुरानी डेट को, और पुरानी डेट का स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकालना है। यानी अब आपको 10th जुलाई से रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कहां पर, 31 मार्च में, क्योंकि अब आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी जो भी जैसे भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे उन सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट आपको कैंसिल करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मिलेगी एज ऑन 31 मार्च 2019। तो क्योंकि हम एक फॉरवर्ड डेट से बैकवर्ड डेट की तरफ वापस जा रहे हैं, इसलिए इसको मैंने नाम दे रखा है बैकवर्ड कैलकुलेशन। सर ये एग्जाम में आता बेटे, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, 2019 में कब आया ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन आया है बेटे मई 2019 में, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में दोबारा आने का दमखम रखता है। आगे चलूं? यस सर, चलो आगे, चलो फिर चलो। अब यहां पर भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन निकालना, फॉर्मेट बनाएंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कब से शुरू कर रहे हैं। सर 10th अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, तो वहीं की इन्वेंटरी को बेस ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 10th अप्रैल 2019 125,000। इसी में कुछ आइटम या एडजस्टमेंट को ऐड करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट लेस होंगे, तो फाइनली मिलेगी वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन 31st मार्च 2019। और 31st मार्च 2019 की इन्वेंटरी वैल्यूएशन आपको चाहिए है। आगे बढ़ू? यस सर, आगे बढ़ू, चलो फिर आगे चलते हैं। चलो पहला एडजस्टमेंट, सबसे पहले तो बेटे इन्होंने कह रखा है सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच। जिस दिन हम फाइनली गुड्स को डिस्पैच करते हैं उसी दिन हम सेल्स की एंट्री बनाते हैं, यानी अकाउंट की बुक में सेल्स रिकॉर्ड होना और हमारे गोडाउन से गुड्स का बाहर निकलना दोनों एक समय होता है। क्योंकि जैसे गुड्स डिस्पैच हुआ, जैसे गुड्स हमारे गोडाउन के बाहर निकला, हमने अपनी अकाउंट की बुक में सेल्स की एंट्री बनाई। तो ये लाइन सिर्फ इतना बताती है कि अकाउंट की बुक में जो रिकॉर्डिंग होगी और गुड्स जो हमारे गोडाउन के बाहर निकलेगा, दोनों सेम पीरियड ऑफ टाइम में होगा, दोनों के बीच में कहीं किसी तरह से कोई टाइम लैग नहीं होगा। आगे चलते हैं। एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डेट ऑफ गुड्स रिसीव बैक। और सेम चीज सेल्स रिटर्न के साथ में भी है, जब गुड्स फिजिकली वापस आ जाएगा उसी समय हम उसको अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, यानी गुड्स की जो फिजिकल रिसिप्ट होगी उसी समय वो अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होगा। तो अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड होना और गोडाउन में गुड्स का वापस आना दोनों सेम टाइम ऑफ सेम पीरियड ऑफ टाइम में होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, परचेस आर एंटर्ड इन द परचेस बुक ऑन द डे इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। अब परचेस के साथ में लेकिन यह चीज नहीं है, हमको जिस दिन इनवॉइस मिला उस दिन हम अपनी अकाउंट की बुक में परचेस की एंट्री कर देते हैं, उस दिन हम अपनी अकाउंट की बुक में एंट्री डाल देते हैं परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर अकाउंट। अब फिजिकल गुड्स मिला कि नहीं मिला ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी परचेस के केस में यह हो सकता है कि अकाउंट की बुक में एंट्रियां पहले हो जाएं लेकिन गुड्स आपको बाद में रिसीव हो, या यह भी हो सकता है कि गुड्स आपको पहले रिसीव हो जाए और अकाउंट की बुक में एंट्री बाद में हो, क्योंकि एंट्री जो हो रही है वो इनवॉइस के बेसिस पर हो रही है और फिजिकल गुड्स मिला या नहीं मिला वो परचेस के केस में इररिलेवेंट हो जाता है। सर इतनी बातों का कहां फर्क पड़ेगा? इन सारी बातों का बेटे फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, आपकी इमेजिनेशन को मुझे यहां खींच के लाना पड़ेगा। आगे चलूं? यस सर चलो। इसके बाद ये कह रहे हैं सेल्स बिटवीन 1st अप्रैल 2019 टू 9th अप्रैल 2019 अमाउंटिंग टू ₹20,000 एज पर सेल्स डे बुक। अब आराम से सोचना बेटे, सबको मेरे साथ साथ सोचना है। अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होता है? सर अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31st मार्च 2019 को। हमने अपने स्टॉक की वैल्यूएशन किस दिन कर रखी है? सर हमने अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर रखी है 10th अप्रैल 2019 को, और ये स्टॉक की वैल्यूएशन भी फिजिकल वेरिफिकेशन से हुई है, यानी 10th अप्रैल को हम अपने गोडाउन के अंदर गए, हमारे गोडाउन में जितने आइटम थे हमने उसकी लिस्ट बनाई, उसकी कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करी, क्वांटिटी रिकॉर्ड करी, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट निकाली, आखिरी में टोटल किया, आखिरी में टोटल करके पता चला कि हमारे गोडाउन में टोटल स्टॉक कितने रुपए का है? 1,25,000 का है। अब ट्रांजेक्शन लाते हैं बीच में, ट्रांजेक्शन क्या हुआ 1st अप्रैल से लेके यानी 31st मार्च के बाद, लेकिन 9th अप्रैल तक यानी 10th अप्रैल जिस दिन इन्वेंटरी की वैल्यूएशन की उसके एक दिन पहले तक हमने कुल मिला के 20,000 रुपए का गुड्स बेचा है। अब ये जो 20,000 रुपए का गुड्स बेचा है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ के बताओ कि हमने ये जो 20,000 का गुड्स बेचा है ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिली कि इस टाइम पीरियड के बीच में 20,000 रुपीज का गुड्स बिका है? ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिली, किस दस्तावेज से, किस डॉक्यूमेंट से, किस बुक से, किस अकाउंटिंग डेटा से हमको ये इंफॉर्मेशन मिली कि इन 9 दिनों के बीच में, इन बिटवीन ऑफ दीज 9 डेज हमने 20,000 का गुड्स बेचा है? सेल्स डे बुक से, बिल्कुल सही बात है सर, ये सेल्स बुक से पता चला। और सेल्स बुक में अकाउंटिंग कब होती है? सर सेल्स बुक में अकाउंटिंग तब होती है जब गुड्स फाइनली डिस्पैच हो जाता है, यानी ये जो 20,000 का गुड्स बिका है इसकी इंफॉर्मेशन मिली सेल्स डे बुक में, और सेल्स डे बुक में गुड्स कब रिकॉर्ड होता है? जब गुड्स फाइनली डिस्पैच हो जाता है, यानी इस बीच में गुड्स हमने अपने कस्टमर को डिस्पैच कर दिया होगा,
ठीक है, डिलीवरी वैन में गुड्स को हमने लोड किया, डिलीवरी वैन में गुड्स को हमने लोड करके कस्टमर को भिजवा दिया। अब मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल, ध्यान से सब लोग, सर एज सून एज गुड्स आर डिस्पैच, बिल्कुल ठीक, मेरा सवाल ध्यान से सुने और उसका आपको जवाब सिर्फ यस और नो में देना है। सवाल यह है, 10th अप्रैल को जब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन अपने गोडाउन में स्टॉक का किया, तब ये गुड्स क्या मेरे स्टॉक में इंक्लूडेड था, हां या ना? सवाल ध्यान से सुनो, जब मैंने 10th अप्रैल को अपने गोडाउन में फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तब ये गुड्स क्या मेरे गोडाउन में था? सबका आंसर आया नहीं। बात बिल्कुल सही है, क्यों नहीं? क्योंकि सर 10th अप्रैल के पहले ये गुड्स बिक चुका है, पता चला है सेल्स बुक से, और सेल्स बुक में एंट्री कब होती है? जब गुड डिस्पैच हो जाए, यानी 10th अप्रैल के पहले ही ये गुड्स बिक चुका था, ये डिस्पैच हो चुका था, हमारे गोडाउन के बाहर निकल चुका था, इसका मतलब ये हमारी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इतनी पिक्चर क्लियर? यस सर, इतनी पिक्चर क्लियर। अब आता हूं मैं थोड़ा सा बैक डेट पे, क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे गोडाउन में था, हां या ना? क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे गोडाउन में था? यस सर, 31 मार्च को तो था, उसके बाद में बिका है ना, बिल्कुल ठीक। क्या 31 मार्च को मैं इस गुड्स का मालिक था, हां या ना? आई वॉज आई द ओनर ऑफ दीज गुड्स, हां सर। तो 31 मार्च को ये गुड्स मेरे गोडाउन में भी था, मैं इसका मालिक भी था, तो इसको मेरे इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होना चाहिए, लेकिन क्या 10th अप्रैल की इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है? अब मैंने कहा सारी बातों को एक साथ जोड़ के देखो। मैंने पहला सवाल पूछा था, क्या 10th अप्रैल को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में ये गुड्स हमारे स्टॉक में था? आपने कहा नहीं। फिर मैं गया बैक डेट को, 31 मार्च को क्या ये गुड्स मेरे स्टॉक में रहा होगा? आपने कहा हां। क्या मैं इस गुड्स का मालिक था? आपने कहा हां। यानी 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते समय ये गुड्स मेरे स्टॉक में जुड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं बेस मान रहा हूं 10th अप्रैल की इन्वेंट्री को, और 10th अप्रैल की इन्वेंट्री में ये स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है, ये स्टॉक अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मुझे बैक डेट पे वापस जाना है, अगर मुझे 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, तो इसका क्या करना चाहिए बताओ? कई लोगों का आंसर आ गया, सर ऐड करना चाहिए, ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। हाँ, यानी सबको बेटे मैं जो इमेजिन करवाना चाहता था, जो पिक्चर मैं दिखाना चाहता था, आपकी इमेजिनेशन को मैं जिस लेवल पे लेके जाना चाहता था, आपने उस लेवल पे जाके सोचना शुरू कर दिया। सभी का आंसर एकदम सही है कि सर ये जो सेल्स है ये हमारी 31 मार्च के बाद में हुई है, तो इसको हमें अपनी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करते समय ऐड कर देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐड करना पड़ेगी इसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब 1st अप्रैल से लेकर 9th अप्रैल। हमारी सेल्स कितने रुपए की हुई थी? सर सेल्स हुई थी हमारी 20,000 रुपीज की, इसमें से बेटे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। सर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 20% ऑन सेल्स, 20% ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आती है 16,000 रुपीज। सेल्स जो एड होनी चाहिए थी वो हमने एड कर दी। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो बेटे, इस पॉइंट में अगर किसी को डाउट हो तो बताओ, जल्दी बोलो बेटे, यस और नो। नो सर, अनुष्का ने जवाब दिया, नो सर, मनीषा नो सर, दो लोगों ने कहा नो सर। और अगर किसी को डाउट हो तो बेटे बताएं, क्या किसी को डाउट है, हां या ना? नहीं है, नहीं है, नो डाउट सर। चलो आगे चलते हैं, अगला एडजस्टमेंट, फ्री सैंपल फॉर द बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 9th अप्रैल 2019 अमाउंटिंग टू ₹4,000 एट कॉस्ट। हमने बेटे 1st अप्रैल 2019 से लेके 9th अप्रैल 2019 के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने फ्री सैंपल बटवाए हैं। अब हमें स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है 31 मार्च को। हम अपने गोडाउन के अंदर गए, 10th अप्रैल को हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, पता लगा 10th अप्रैल को हमारे गोडाउन में 1,25,000 का गुड्स प्रेजेंट है। 1st अप्रैल से लेके 9th अप्रैल के बीच में इन्होंने फ्री सैंपल बांटे हैं ₹4,000 के। बेटे जो फ्री सैंपल ₹4,000 के बट गए, क्या 10th अप्रैल को वो हमारे स्टॉक में थे, हां या ना? बेटे मेरा सवाल है, मैंने 1 अप्रैल से लेके 1st अप्रैल से 9th अप्रैल तक ₹4,000 के फ्री सैंपल के गुड्स माटे हैं, उसके बाद मैंने 10th अप्रैल को अपने स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन किए, तो क्या ये ₹4,000 के गुड्स मेरे 10th अप्रैल के स्टॉक में इंक्लूडेड है? सबका आंसर आया नहीं सर, बिल्कुल ठीक।
अब मुझे बैक डेट में वापस जाना है, अब मैं गया 31 मार्च को, क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे स्टॉक में था, बोलो हाँ या ना, क्या 31 मार्च को ये गुड्स मेरे स्टॉक में था, यस सर, क्या इस गुड्स के मालिक हम थे, यस सर, तो ऐसा ही लगता बेटे 31 मार्च को जो स्टॉक आप वैल्यू कर रहे हैं उसको वापस एड बैक करना पड़ेगा, हाँ ऐड करेंगे, शिवानी का आंसर आया ऐड, इंक्लूड करेंगे, तो यहां तक भी बात समझ में आ गई है कि सर 10th अप्रैल को ये गुड्स हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चाहिए 31st मार्च की, उस दिन ये गुड्स तो हमारे स्टॉक में रहा होगा, और क्योंकि हम 10th अप्रैल की इन्वेंट्री को बेस मान रहे हैं इसके अंदर ये एडेड नहीं है, तो अगर बैक डेट पे जाना है तो हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बेटे बात एकदम सही है, तो इसको बेटे हम यहां पर ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल, और कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल 4000 का दिया हुआ है, इसको भी ऐड करेंगे बेटे, फ्री सैंपल 4000 रुपीस, ये था बेटे हमारा सेकंड एडजस्टमेंट। अब आ जाओ थर्ड एडजस्टमेंट पे, परचेज ड्यूरिंग 1st अप्रैल 2019 टू 9th अप्रैल 2019 अमाउंटिंग टू रुपीस 10000, बेटे हमने 31st मार्च 2019 की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, 10th अप्रैल 2019 को हम अपने गोडाउन के अंदर गए, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, पता लगा हमारे गोडाउन में 125,000 का गुड्स है, और इस पीरियड में कब से कब तक, 1st अप्रैल 2019 से 9th अप्रैल 2019 के बीच में कुल मिला के हमने 10,000 का गुड्स परचेस किया है। अब बेटे परचेस तो हम तब रिकॉर्ड कर देते हैं जब हमको इनवॉइस मिलती है, तो बेटे 1st अप्रैल से लेके 9th अप्रैल तक हमको 10,000 रुपीस की इनवॉइस रिसीव हुई होगी, तो हमने अपनी अकाउंट की बुक में 10,000 रुपीस रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 2000 रुपए का गुड्स तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ, तो बताओ बेटे हम जब एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे वो पूरा गुड्स लेना चाहिए जो मैंने खरीदा है, कि मुझे सिर्फ वो गुड्स लेना चाहिए जो मुझे एक्चुअली रिसीव हुआ है। सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने पूरा लिया था, पूरा लिया था मतलब सर हमने तो वो गुड्स भी लिया था जो ट्रांजिट में है, और हमने वो गुड्स भी लिया था जो हमने परचेस किया और रिसीव भी हो गया, लेकिन इस बार क्योंकि पोस्ट कैलकुलेशन है, हमने 10th अप्रैल को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की है और 10th अप्रैल को हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और यह ट्रांजेक्शन 10th अप्रैल के पहले हुआ है, तो इसीलिए क्योंकि मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन से कंपेयर करना है और यह ट्रांजेक्शन फिजिकल वेरिफिकेशन के पहले हुआ है, इसलिए मुझे चाहिए कि कितना एक्चुअल गुड्स हमने जो खरीदा है। नहीं बेटे 12,000 रुपए तो पहली बात एकदम गलत है, ज्ञान बेटे 12,000 इसीलिए गलत है क्योंकि 10,000 का गुड्स हमने खरीदा है और यहां पे लिखा है बट गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 नॉट रिसीव टिल डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग, यानी इसी में से 2,000 रुपए का गुड्स ऐसा है जो हमको रिसीव नहीं हुआ, यानी ओवरऑल परचेस सिर्फ 10,000 रुपीज की हुई है। अब मैं यहां पे काम करूंगा जो एक्चुअली गुड्स रिसीव हुआ है सिर्फ उस पे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको मैं एक बार और समझाता हूं। पहले सुनो टोटल गुड्स हमने कितना परचेस किया, सर टोटल गुड्स हमने परचेस किया 10,000 का, इसमें से 2,000 रुपीस का गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ, यानी एक्चुअल गुड्स कितना रिसीव हुआ, सर एक्चुअल गुड्स रिसीव हुआ 8,000 का। ये गुड्स बेटे हमने परचेस किया, ट्रक में लोड हुआ, ट्रक में लोड होके हमारे गोडाउन में आ गया, तो बताओ बेटे हमने जो 10th अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन की है इसमें परचेस किया हुआ पूरा 10,000 का गुड्स इंक्लूडेड है कि सिर्फ 8,000 का इंक्लूडेड है। मैं सवाल पूछ रहा हूं बेटे, जब मैंने 10th अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन की है तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय मेरे गोडाउन में जो 125,000 का गुड्स है इसमें सिर्फ 10,000 का गुड्स जुड़ा हुआ है कि सिर्फ 8,000 का गुड्स जुड़ा हुआ है। सबका जवाब आया सर 8,000, और आपका जवाब एकदम सही है। और 8,000 क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन खुद कह रहा है 2000 का गुड्स तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ, और जब रिसीव नहीं हुआ तो हमारे पास तक सिर्फ 8000 का गुड्स पहुंचा, और हमारे पास जो 8000 का गुड्स पहुंचा है वही तो 10th अप्रैल को हमारे स्टॉक में इंक्लूड हुआ होगा, इसीलिए मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 8000 पे काम कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, हां अब एक बात बताओ, क्या ये 8000 का गुड्स 10th अप्रैल को जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुई उस समय हमारे स्टॉक में जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है, हाँ या ना, क्या ये 8, शिवानी का आंसर आया यस यस यस, हाँ सबका आंसर आ गया, यानी ये 8000 का गुड्स हमारे 10th अप्रैल के इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है मान लिया। क्या 31st मार्च को ये गुड्स हमारे गोडाउन में था, बोलो ना बेटे
अगर मैं बैक डेट में वापस जाऊं तो क्या 31 मार्च को ये गुड्स हमारे गोडाउन में था? नहीं था सर। क्या 31 मार्च को इस गुड्स के मालिक हम थे? नया सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या 31 मार्च को हम 1,000 रुपीज के गुड्स के मालिक बन गए थे? नहीं, क्योंकि हमने ऑर्डर ही 1 अप्रैल के बाद में दिया है, हमने ऑर्डर ही 31 मार्च के बाद में दिया है, हमने परचेस 31 मार्च के बाद में किया है, तो 31 मार्च के पहले हम इसके मालिक कैसे बन सकते थे? तो अब क्या हुआ, 10 अप्रैल की डेट में ये गुड्स मेरी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है, लेकिन क्योंकि 31 मार्च को मैंने परचेस नहीं किया था और 31 मार्च को उसके पहले मैं इसका मालिक नहीं बना था, इसीलिए मुझे इसको अपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और क्योंकि 10 अप्रैल के स्टॉक में ये ऑलरेडी जुड़ चुका है, ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो मुझे इसको बैक डेट में जाते समय क्या करना पड़ेगा सर? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। खुशी का आंसर आ गया, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तुषार का आंसर आया लेस, बिल्कुल ठीक बेटे, लेस लेस लेस, सबका आंसर आया लेस। तो बेटे यहां पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते समय 31 मार्च को ये इन्वेंट्री के ना तो हम मालिक थे, ना हम इसको ऑर्डर दिया था, ना हमने परचेस किया था, तो ये हमारे 31 मार्च की इन्वेंट्री में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बेस इन्वेंट्री ले रहे हैं 10 अप्रैल की और ये इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, तो इसको बाहर करने के लिए, इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो लो दोस्त, माइनस हो जाएगा। परचेस एक्चुअली रिसीव ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, बेटे बात समझ में आ गई? सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर एक्चुअल गुड्स ही क्यों लिया, पूरा गुड्स क्यों नहीं लिया? हाँ पूछो ना बेटे, यही डाउट है ना। सर एक्चुअल गुड्स ही क्यों लिया, 8,000 ही क्यों लिया, 10,000 पूरा क्यों नहीं लिया? बोलो ना बेटे खुशी, यही डाउट है क्या? बोलो हाँ। सर मेरा भी यही डाउट है 10th को, सर मेरा भी यही डाउट है। हाँ सर, हाँ सर, चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा बेटे, हाँ पहले मैं कंप्लीट कर दूं यहां पे, फिर तुम्हारे डाउट पे वापस आता हूं। मैंने कहा बेटे एक्चुअल परचेस हुई थी 10,000 की, इसमें से 2,000 माइनस करेंगे और एक्चुअल गुड्स जो रिसीव हुआ था वो 8,000 ऐड करेंगे। सर यहां पर आपने 10,000 क्यों नहीं लिया ये समझाएं। मैंने कहा सुनो, मैंने 10,000 क्यों नहीं लिया, अब मैं तुमको ये समझाने की कोशिश करता हूं। आओ तुम्हारी इमेजिनेशन को एक लेवल में और आगे लेके चलता हूं, ठीक है? अब ध्यान से बेटे देखना है बस आपको, ठीक। यहां पर अगर ये बॉक्स है तो ये समझ लें 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो रही है, और इस हाथ में अगर बॉक्स है तो ये समझ लें ये 10th अप्रैल, अरे सॉरी आगे कहां दिखेगा, यहां, ओके चलो ठीक है। अगर यहां पर ये बॉक्स है तो समझ लें ये 10th अप्रैल की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, और यहां पर अगर ये बॉक्स है तो समझ लें 31 मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, इतना ठीक है? यहां है मतलब 31 मार्च, ये मेरा गोडाउन है 31 मार्च को, और गोडाउन के अंदर इतना सामान है। यहां पर हाथ है मतलब ये मेरा गोडाउन है 10th अप्रैल को, और मेरे गोडाउन में 10th अप्रैल को इतना सामान है, इतना क्लियर? यस सर क्लियर। चलो बैक डेट से सोचना शुरू करते हैं। 31 मार्च आया, 31 मार्च के बाद में मैंने अपने सप्लायर को बोला कि भैया ये 10,000 रुपीज का गुड्स मुझे सप्लाई कर देना। मैंने अपने सप्लायर से क्या बोला, यहां पर क्या भैया 31 मार्च, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेके, सर इस क्वेश्चन में समझ आ गया बट सेकंड में पूरा क्वेश्चन ऐड करा था ट्रांजिट वाला, बेटे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, दोनों को कंपेयर करवा रहा हूं, आराम से देखो ध्यान से समझो। सुनो 31 मार्च को मेरे पास में स्टॉक नहीं था, 1 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक मैंने अपने सप्लायर से कहा कि ये 10,000 रुपीज का ऑर्डर ले लो, 10,000 रुपीज के ऑर्डर को आप प्रोसेस कर दो। उसने कहा ठीक है। मेरे सप्लायर ने पहले 8,000 रुपीज का गुड्स डिस्पैच किया, बाद में 2,000 रुपीज का गुड्स डिस्पैच किया, क्लियर इतना? यस सर क्लियर। अब ये गुड्स मेरे पास में जब आया, जब तक आया तब तक आ गई 10th अप्रैल, लेकिन 10th अप्रैल आते तक ये जो 8,000 का गुड्स है वो मुझे रिसीव हो गया, वो मेरे रिसीव हो गया, तो मैंने उसको अपने गोडाउन में रख लिया, तो ये 8,000 का गुड्स मेरे गोडाउन में ऑलरेडी जुड़ गया है, इतना ठीक? ये मेरे स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ये 8,000 का गुड्स ऑलरेडी 10th अप्रैल को मेरे गोडाउन में आ चुका है, मेरे गोडाउन में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इंक्लूडेड है, इतना ठीक? ये जो 2,000 का गुड्स है क्या ये आपको 10th अप्रैल तक रिसीव हुआ, हाँ या ना? बोलो ना बेटे, ये जो 2,000 का गुड्स है ये 10th अप्रैल तक आपको रिसीव हुआ, नहीं हुआ सर? तो क्या ये आपके गोडाउन में आया,
नहीं आया सर। तो क्योंकि आपके गोडाउन में नहीं आया, इसका मतलब 10 अप्रैल को जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की है 1,25,000 रुपीज, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज इंक्लूडेड है। मैं फिर से सवाल पूछता हूं बेटे, 10 अप्रैल को जब आपने अपने गोडाउन में फिजिकल वेरिफिकेशन किया और जब आपने अपने गोडाउन में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकाली, जब आपने अपने गोडाउन में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकाली 10 अप्रैल को, तो इस समय 1,25,000 आई, तो इस 1,25,000 में 8,000 रुपीज का गुड्स इंक्लूडेड है कि 10,000 रुपीज का गुड्स इंक्लूडेड है? मैं सवाल पूछ रहा हूं बेटे, 10 अप्रैल को जब आपने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकाली, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालते समय 8,000 रुपीज का गुड्स आपके 1,25,000 में इंक्लूडेड है कि आपके इन्वेंट्री में 10,000 रुपीज का गुड्स इंक्लूडेड है? सबका जवाब आया बेटे 8,000। खुश शिवानी का आंसर आया 8,000, तुषार का, बाकी सबको बेटे बात समझ में आ रही है हाँ या ना? 8,000 सबकी बात समझ में आ गई बेटे। असल में मुझे बैक डेट में एंट्री करनी है, मुझे बैक डेट में जाना है, बैक डेट में जाने के लिए मुझे गुड्स को एक्सक्लूड करना है, और एक्सक्लूड तो मैं वो करूंगा ना जो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूं। जो चीज अभी तक इंक्लूड ही नहीं हुई उसको मैं एक्सक्लूड करके क्या करूंगा? आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, जब मैं 10 अप्रैल को अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहा था तब तक मेरे स्टॉक में 8,000 रुपीज एड हो गए थे, अब मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस तो उसी को करूंगा ना जिसको मैं ऐड कर चुका हूं। जो गुड्स अभी तक ऐड ही नहीं हुआ उसको माइनस में कैसे करूं बेटे? आप कह रहे हो कि सर बैक डेट में एंट्री करनी है, बैक डेट में एंट्री करनी है कि मैंने, इसका मतलब मैंने ये कहा कि 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनका इफेक्ट मुझे कैंसिल करना है। अब इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अगर आप शुरुआत से देखोगे, और मैं तुमको शुरू में लेके चलता हूं, चलो, और अगर आप शुरुआत से देखोगे तो सबसे पहले एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2019 से लेके 9 अप्रैल 2019 के बीच में आपने सेल्स करी, सेल्स में गुड्स मेरा डिस्पैच हो गया, डिस्पैच होने का मतलब यह है कि मेरे स्टॉक में से गुड्स ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। मैंने कहा इसका इफेक्ट कैंसिल करो, इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आपने कहा कि सर इफेक्ट कैंसिल करना है तो जो गुड्स एक्सक्लूड हो चुका है उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इंक्लूड कर दो, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करते समय बेटे आपने ऐड किया, आपने ऐड क्या किया, जितना फिजिकली गुड्स आपको रिसीव हुआ था आपने उसको सेल को ऐड कर दिया, ये जितना फिजिकली आपने गुड डिस्पैच किया था उसको आपने माइनस कर दिया। मैं कह रहा हूं अब बैकवर्ड कैलकुलेशन हो रही है, बैकवर्ड कैलकुलेशन में इंटरवेनिंग पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं आपको उनका इफेक्ट कैंसिल करना है। सर जब 10 अप्रैल की वैल्यूएशन हुई तो 2000 का गुड्स ट्रांजिट क्यों नहीं है? अरे तो भाई मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2000 रुपए का गुड्स ट्रांजिट में था, रास्ते में था, लेकिन 10 अप्रैल को जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई तब तक तो ये गुड्स मुझे रिसीव ही नहीं हुआ, और जब ये 2000 का गुड्स मुझे रिसीव नहीं हुआ तो ये मेरे स्टॉक में एड भी नहीं हुआ, और क्योंकि मेरे स्टॉक में एड ही नहीं हुआ तो ये माइनस कैसे हो सकता है? मेरे स्टॉक में गुड्स तब ऐड होता है जब मुझे फिजिकली मिल जाता है। बात को समझो बेटे, क्वेश्चन में बेटे क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि हम परचेस को तब रिकॉर्ड कर देते हैं जब हमको इनवॉइस मिल गया। दो मिनट के लिए चलो और आगे चल के सोचते हैं, मैंने अपने सप्लायर को 4 अप्रैल को ऑर्डर दिया 10,000 रुपए का गुड्स सप्लाई करो, सप्लायर ने कहा ठीक है, सप्लायर ने 5 अप्रैल को इनवॉइस जनरेट किया और मुझे ईमेल कर दिया, तो इनवॉइस की कॉपी कब मिल गई? 5 अप्रैल को इनवॉइस की कॉपी मुझे 5 अप्रैल को मिल गई, तो मैंने अपनी अकाउंट की बुक में परचेस की एंट्री तो 5 अप्रैल को बना दी, लेकिन मेरे पास फिजिकल गुड्स कितना आया? सर फिजिकल गुड्स तो 8,000 का आया, ये जो फिजिकल गुड्स 8,000 का आया ये मैंने अपने स्टॉक में ऐड कर दिया 10 अप्रैल को, जब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो 8,000 का गुड्स इसमें जुड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटे बैक डेट को एंट्री करनी है तो इफेक्ट कैंसिल करना है, तो मैंने कहा बेटे जब ये 2000 रुपीज का गुड्स अभी तक जुड़ा ही नहीं है तो इसका इफेक्ट भी कैंसिल मैं कैसे करूं? मैं इफेक्ट तो उसका कैंसिल करूंगा ना जो ट्रांजेक्शन हो चुका है, मैं उसका इफेक्ट कैंसिल करूंगा। जब ये 2000 का गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट कैंसिल कैसे करूं? हाँ, 8000 का गुड्स मुझे रिसीव हो गया था, ये मेरे स्टॉक के अंदर जुड़ गया था, बैक डेट को एंट्री करने के लिए ये मेरी इन्वेंट्री में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा इफेक्ट एक्सक्लूड करो, इफेक्ट को बाहर करो, इफेक्ट को कैंसिल करो, तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सर लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो आपने गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड किया था। अच्छा अब सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटे,
पिछले क्वेश्चन में ये हो रहा था कि आपने 24th जून को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर ली थी और आपको 30th जून का स्टॉक चाहिए था। अब आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे थे, मैं पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करके दिखा रहा हूं। आपको 30th जून को स्टॉक की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। इतना मैंने कहा दोस्त इस पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका इफेक्ट डालना पड़ेगा, यहां पर इफेक्ट डालना पड़ेगा। अब डालना था इसीलिए यहां पर जो गुड्स रास्ते में है तो क्योंकि वो गुड्स भी मेरी इन्वेंट्री में जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं उसका मालिक बन गया था इसलिए उसको ऐड करना जरूरी था। अब यहां पर ऐड करना जरूरी था तो जितना फिजिकली गुड्स मुझे रिसीव हुआ था मैंने उसको भी ऐड किया और जो गुड्स इन ट्रांजिट था मैंने उसको भी ऐड किया, क्योंकि वहां पर इफेक्ट को कैंसिल नहीं करना था, वहां पर इफेक्ट डालना था। ये ट्रांजैक्शन इन्वेंटरी की वैल्यूएशन के बाद में हुए थे तो उनका इफेक्ट डालने के लिए जो एक्चुअल गुड्स रिसीव हुआ था वो भी मैंने ऐड किया और जो गुड्स रास्ते में था उनको भी मैं खरीद चुका था, उनका भी मालिक मैं बन चुका था, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में वो ऐड नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट डालने के लिए मुझे उसको अलग से ऐड करना पड़ा। लेकिन यहां पर जब आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो कोई नया इफेक्ट नहीं डाल रहे होते, हम जो इफेक्ट अकाउंट की बुक में डल चुके हैं हम उनको कैंसिल कर रहे होते हैं, और जब आप कैंसिल करते हैं तो उन्हीं इफेक्ट को कैंसिल करते हैं जो इफेक्ट अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं। ओ अब समझ आ गया सर, बेटे अब समझ में आया हा या ना? यस सर समझ गए। तो बेटे 10th अप्रैल की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते समय एक्चुअल गुड्स मुझे 8000 का रिसीव हुआ था, ये मेरी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड हो चुका था और मुझे इसके इफेक्ट को कैंसिल करना है इसलिए मैं एक्सक्लूड 8000 को कर रहा हूं। 2000 का गुड्स मुझे रिसीव ही नहीं हुआ, 2000 का गुड्स मुझे रिसीव नहीं हुआ तो मेरी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड ही नहीं हुआ। अब जब ये इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड ही नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट कैंसिल करूं कैसे मैं? इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप बोलोगे सर एक्सक्लूड करो, तो एक्सक्लूड तो मैं तब करूंगा जब ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड ही नहीं हुआ अभी तक। बात समझ में आ गई? तो बेटे याद रखें ये एक डिफरेंस है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में इंटरवेनिंग पीरियड में जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनका इफेक्ट डालते हैं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन अभी तक हमारे रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन अगर हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरवेनिंग पीरियड में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं हम उनका इफेक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं, और आप कैंसिल उन्हीं का करेंगे जो फैक्ट्स अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हुए हैं। अब जब फिजिकल गुड्स इन ट्रांजिट है, जो गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इफेक्ट कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 8000 रुपीज को माइनस किया है। अब बताओ बेटे क्या सभी को यह बात समझ में आ गई हां या ना? इसीलिए बेटे क्वेश्चन को पढ़ते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप ये चेक करें कि ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन है कि बैकवर्ड कैलकुलेशन है। बोलो बेटे समझ में आ गया है हाँ या ना? नहीं आया होगा तो और कोई दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं आपको। नहीं आया होगा तो फिर मैं और कोई दूसरे तरीके से समझाता हूं। सभी का आंसर लगभग हाँ है, मतलब बात समझ में आ गई है। तो अल्टीमेटली यहां पर एड होना चाहिए था, ये नहीं हाँ, परचेस का ट्रांजैक्शन यहाँ पर ऐड होना चाहिए था। ये लो बेटे ऐड कर दिया बेटे परचेस, और कुछ बच गया क्या? हाँ सर एक ट्रांजैक्शन और है, इनवॉइस। हाँ ये कह रहे इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेस अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर एंटर्ड ऑन 28th March 2019 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। हम बेटे 31st March 2019 को अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं, लेकिन हमने 10th अप्रैल को अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी है, फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, और इस दिन जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तब हमारे पास में स्टॉक आया 1,25,000 रुपीज का। अब जो बात हो रही है वो 1st अप्रैल 2019 से लेकर 9th अप्रैल 2019 के बीच की नहीं हो रही है। अब जो बात हो रही है वो कब की हो रही है? ध्यान से पढ़ो, पहले डेट पढ़ो बेटे, बताओ ये जो ट्रांजेक्शन है किस डेट का है? ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 4th में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किस डेट की है? सबने आंसर दिया 28th मार्च। 28th मार्च की ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये 31 मार्च के पहले की है कि 31 मार्च के बाद की डेट है? पहले की डेट है। अगर ये 28th मार्च का ट्रांजैक्शन है, 31 मार्च के डेट के पहले की ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगा कि बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा? हाँ,
सवाल सुनो, अगर ट्रांजैक्शन 28 मार्च का है और ये डेट 31 मार्च के पहले की है तो इसके लिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगा कि बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा? सभी का जवाब आया फॉरवर्ड कैलकुलेशन। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में परचेस का क्या करते बताओ? अगर फॉरवर्ड कैलकुलेशन में परचेस होती तो आप इसका क्या करते? इंक्लूड करेंगे तो बात खत्म, यहां पर भी ऐड कर दो खेल खत्म। सर यहां पर ऐड क्यों करेंगे? साफ लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। हमने कुछ परचेस किया, कब परचेस किया? 28 मार्च को। अब परचेस किया तो इनवॉइस मिल गया होगा, इनवॉइस तो मिल गया लेकिन गुड्स की फिजिकल डिलीवरी नहीं आई। सर आपको कैसे पता फिजिकल डिलीवरी नहीं आई? क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। तो अगर 31 मार्च को स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही कारण बनता है कि इनवॉइस आ गया होगा, हमने परचेस अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर दी लेकिन फिजिकल डिलीवरी अभी तक नहीं मिली, तो ये हमारी गुड्स में अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो क्योंकि ये हमारे 31 मार्च से पहले का ट्रांजेक्शन है तो मुझे इसका फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये गुड्स, पहली बात तो 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं था लेकिन 31 मार्च को इस गुड्स के मालिक हम बन चुके थे तो इसका इफेक्ट डालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इसका इफेक्ट कैंसिल करना है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका इफेक्ट डालने के लिए मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा। बेटे बात समझ में आ गई? यहां पर मैं परचेस को ऐड कर रहा हूं, बोलो ना बेटे। अब यहां कंफ्यूज मत होना कि सर पहले वाली परचेस को आपने माइनस किया, अभी वाली परचेस को हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई डाउट है किसी के मन में कि सर इसके पहले परचेस वाले पॉइंट को आपने लेस किया, अभी परचेस वाले पॉइंट को आप ऐड कर रहे हो, क्या ऐसा कोई डाउट है? नो सर, नो सर। चलो बात समझ में आ गई है, वेरी गुड बेटे। तो ये परचेस ऐड होनी चाहिए, परचेस ड्यूरिंग मार्च 2019 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टॉक 20,000 रुपीज। क्वेश्चन खत्म, पैकअप करो बेटे। ऐड करने के लिए 20 और 16 36 और 4 40,000 रुपए ऐड करने के लिए, माइनस करने के लिए है 8,000 रुपीज। 40,000 प्लस करूं 8,000? नहीं सर, आप पूरा चिंदी बना। अच्छा ठीक है बेटे, थैंक यू ज्ञान। ये कमेंट बेटे बहुत खतरनाक है ज्ञान। बेटे तुम एक काम करो, आज तुम ना मेरे YouTube चैनल पे जाओ, जितने वीडियो है सब में आप बोलो कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो और हर एक टॉपिक को चिंदी बना देते हो। अब कर मत देना, ऐसा मजाक कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, आगे चलो बेटे। 40,000 अब सर कर दूंगा। नहीं नहीं बेटे मजाक कर रहा हूं, ऐसा काम मत करना, ये सिर्फ मजाक की बात चल रही है। हाँ तो 40,000 ऐड करेंगे, 8,000 माइनस करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एज ऑन 31 मार्च 2019 को आएगी 1,57,000 रुपीज की। यस, नहीं सर मजाक किया, ठीक है बेटे। हाँ अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटे स्क्रीनशॉट लो। सर वैसे भी आप बहुत बड़े, अरे थैंक यू बेटा अनुष्का, तुम लोग इतनी तारीफ करोगे तो मैं घर जाके खाना नहीं खा पाऊंगा बेटे। खुशी के मारे मैं इतना खुश हो जाऊंगा बेटे कि वो तुम्हारे, वो कहते हैं ना हरियाणवी में छोरा बावरा हो गया के, तो मेरे घर वाले ही बोलेंगे छोरा बावरा हो गया के, खाना आना क्यों नहीं खा रहे, रोटी वोटी खा ले जरा, तो ऐसी कुछ बात हो जाएगी। सर मैंने आपका मैराथन लेक्चर देखा था, अभी मैंने मैराथन लिया कब? अच्छा पिछले अटेम्प्ट के अंदर। ओके चलो आगे चलते हैं बेटे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, सर खुशी क्लास में है, आई है, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ सर सामने से तारीफ नहीं करते, ठीक है बेटे। अबे स्क्रीनशॉट ले लिया का मालिक जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? मुझे आगे चलना है। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? डन सर, ओके डन। तो आओ बेटे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटे, आओ जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे। सर वो पोस्टपोन वाली बात, सर वो पोस्टपोन वाली बात, अच्छा अच्छा ओके। एग्जाम पोस्टपोन होने की जो उम्मीद है, हाँ एग्जाम पोस्टपोन होने की उम्मीद ऐसा लग रहा है। तो सबका कहना यह था कि सर हम लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि शायद जून में हमारे जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। अच्छा बेटे उम्मीद तो हम लोगों को भी यही लग रही है कि जून वाले एग्जाम शायद पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन आपके जून में एग्जाम में पहला पेपर होगा अकाउंट का। बताओ बेटे अकाउंट के पेपर की डेट क्या है, बोलो बेटे। सर एक सवाल पूछ, हाँ बेटे पूछ लेना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आपका जून में जो सीए फाउंडेशन का पेपर होगा उसमें पहला पेपर होगा अकाउंट का, पहले पेपर की डेट है 24 जून, और आज की डेट कितनी है बोलो ना बेटे, आज की डेट कितनी है? सर 13th मई से लेके 24 जून तक कितने दिन बाकी है बोलो ना बेटे,
13th मई से लेके 24th जून तक कितने दिन बाकी हैं? सर मई में होते हैं 31 माइनस 13, सर मई में 18 दिन प्लस जून के 23 दिन ही काउंट करता हूं, सर 41 डेज, सर लगभग अबे अकाउंटेंट लोगों दिन भी लगभग में गिनोगे, यानी बेइज्जती कराओगे अपनी कम्युनिटी की, लोग हंसेगी बेटे लगभग बोलोगे दिनों में, तो हमारा काम ही दिन गिनने में जाता है बेटे, एवरेज ड्यू डेट कह लो, अकाउंट करंट कह लो, ब्याज बट्टा निकालते समय हमने दिन गिनने के अलावा किया क्या है बेटे? अकाउंटेंट की जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं बेटे, उन लड़कों से पूछो, वो बेचारे दिन ही गिनते रहते हैं, कब गर्लफ्रेंड बनेगी, कब आएगी, कब क्या होगा, और नाला कैसे काम तुम करना मत, लेकिन दिन गिनने के अलावा हमारी जिंदगी में है क्या? हाँ आगे चलते हैं बेटे, तुम्हें क्या लगता है 41 दिन तक इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या लगता है बेटे बताओ, क्या अगले 41 डेज तक सारी की सारी गवर्नमेंट, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं सर, इसीलिए बेटे 41 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। अब 41 डेज का समय लंबा समय होता है इसलिए एग्जाम पोस्टपोन होंगे इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। हाँ यह जरूर हो सकता है कि जून में एग्जाम आपके हो, साथ में आपके जून के साथ साथ जुलाई में या अगस्त में एक अटेम्प्ट और हो जाए और जून के स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया जाए ऑप्ट आउट करने का, कि अगर वो चाहें तो जून का एग्जाम ऑप्ट आउट करके जुलाई में या अगस्त में जो भी अपकमिंग अटेम्प्ट होगा वहां पे आप पेपर दे सकते हैं। तो एग्जाम पोस्टपोन होंगे इसकी उम्मीद मुझे कम लगती है, लेकिन ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ सकता है इसकी उम्मीद मुझे ज्यादा लगती है, ये मेरे विचार है। हाँ बेटे, सीएमए का एग्जाम पोस्टपोन हो गया बेटे, इंडिया के अंदर तीन प्राइम बॉडी है, एक है आईसीएआई, एक है आईसीएसआई और एक है आईसीएमए। इन सब में बेटे आईसीएमए वाली जो बॉडी है वो सबसे पहले डर जाती है, वो सबसे पहले कोई ना कोई ऐसे आड़े तिरछे बेटे आईसीएमए ने या आईसीएमए वालों ने पिछली बार क्या किया था, पिछली बार बेटे ओपन बुक एग्जाम ले लिया था, तो मैं लगता बेटे सीए वाले कभी जिंदगी में ओपन बुक एग्जाम लेंगे, आईसीआई वालों ने सबसे पहले अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया था, आईसीएमए वालों ने तो बेटे ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनका तो कोई और छोर ही नहीं है बेटे, उनकी जो पॉलिसी है वो आपकी सीए और सीएस की पॉलिसी से अलग ही भागती है, कहते हैं कि हमको जो करना हम अकेला अपना कर लेंगे, हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देख लो, इसलिए बेटे जो आईसीएमए वाले हैं उनकी पॉलिसी के हिसाब से चलना बेकार है। अब रही बात सीएस की, अब सीएस के केस में बेटे उन्होंने यहां पर एग्जाम को पोस्टपोन, सर हमको प्रिपरेशन रखनी चाहिए, हाँ बेटे आगे चलते हैं, सर करता है पता नहीं था ऐसा करते हैं, हाँ बेटे अब आगे चलो, इसलिए मैं पर्टिकुलरली सीए के एग्जाम की बात करूं तो हमारे इंस्टीट्यूट वाले लास्ट मोमेंट तक इंतजार करते हैं कि अगर सिचुएशन बेहतर हो गई तो जो काम इस समय होना है इस काम को इसी समय होने दो। तो इंस्टीट्यूट बेटे खासकर आईसीएआई आपका 24th को एग्जाम है, 23rd ऑफ जून तक ये वेट करेंगे, 23rd ऑफ जून तक आपको या तो उसके पहले एक नोटिफिकेशन ला देंगे कि एग्जाम उसी डेट को होगा जो डेट को बताया गया है, स्टूडेंट अगर चाहें उनके एरिया में उनके स्टेट में अगर कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो वो स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो अगर जून में एग्जाम नहीं देना चाहते तो बाद में जब भी वो अटेम्प्ट अगला अटेम्प्ट अनाउंस करेंगे उसके अंदर वो पेपर दे दें, ऐसा करके वो एक ऑप्ट आउट की कंडीशन आपके सामने ला के रख सकते हैं, ये जरूर हो सकता है बेटे, ठीक है। और पोस्टपोन होगा एग्जाम इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है सर, लेकिन इंटरमीडिएट और फाइनल का हुआ ना बेटे, इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम असल में होने थे मई में, और मई में सिचुएशन कहीं से भी रिकवर नहीं होगी ये पहले ही क्लियर हो चुका था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने ये सिचुएशन पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि मई तक कहीं से भी पैंडेमिक की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होने वाली, कोविड की जो सेकेंड वेव आई है ये सेकेंड वेव मई तक नॉर्मल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। हाँ ऐसा करते हैं पता नहीं था, मौका देखकर चौका मारते हैं, बेटे मौका देख के चौका नहीं मारते हैं, असल में इंस्टीट्यूट का मानना ये होता है कि अभी अभी का एग्जाम अगर लेट करोगे तो नवंबर का एग्जाम तो नवंबर में होना है, जो नवंबर के अंदर फिर स्टूडेंट को प्रिपरेशन करके एग्जाम देनी है उनके लिए टाइम पीरियड कम पड़ जाएगा, सोचो ना बेटे अगर मई का एग्जाम अभी जून में हो रहा है
यानी एक महीने तो एग्जाम लेट हो गया, रिजल्ट भी एक महीने लेट आएगा, तो जो स्टूडेंट रिजल्ट में क्लियर नहीं कर पाएंगे उनके लिए आगे की प्रिपरेशन करने के लिए तो कम टाइम बचेगा ना बेटे, उनके लिए तो सीधे सीधे एक महीने कम हो गए क्योंकि रिजल्ट ही एक महीने लेट आ रहा है, ये समस्या खड़ी होती है। सर फाउंडेशन को पहले ही पोस्टपोन है वरना मैं मई में होते थे। हाँ बेटे फाउंडेशन पहले ही पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए कह रहा हूं जो जून में एग्जाम होने वाले उसके पोस्टपोन होने की उम्मीद कम है। सर अगर मान लो, एक सवाल और भी उठेगा कि सर अगर मान लो हमको ऑप्ट आउट की कंडीशन मिलती है, इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि जून में जो पेपर होना है वो तो होगा ही होगा लेकिन जुलाई में एक अटेम्प्ट और होगा, तो जो स्टूडेंट जून में ऑप्ट आउट करना चाहते हैं वो जून में ऑप्ट आउट करके जुलाई में पेपर दे सकते हैं, तो बताओ बेटे तुम ऑप्ट आउट करोगे हाँ या ना। मान लो बेटे इंस्टीट्यूट ने आपको एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ये दे दिया कि जून में तो एग्जाम होगा ही होगा साथ में एग्जाम जुलाई में भी होगा, जो बच्चे जून में पेपर नहीं देना चाहते वो अपना एग्जाम ऑप्ट आउट करके जुलाई में पेपर दे सकते हैं, तो क्या आप ऑप्ट आउट करेंगे? सभी का जवाब आया नहीं, और एकदम सही जवाब। सर ऐसा क्यों, ऑप्ट आउट नहीं करना है? नहीं ऑप्ट आउट नहीं करना है, ऑप्ट आउट इसीलिए नहीं करना है क्योंकि जब कभी आप ऑप्ट आउट करते हैं तो ऑप्ट आउट के बाद जो अगला अटेम्प्ट आता है ना बेटे उसके अंदर रिजल्ट बहुत टफ आता है। आप देख लो नवंबर में जब एग्जाम हुए तो उसका रिजल्ट फिर भी ठीक ठाक आया था, और दिसंबर में जो एग्जाम हुए उसका रिजल्ट फिर भी ठीक ठाक आया था, लेकिन ऑप्ट आउट करके जिन स्टूडेंट ने जनवरी में पेपर दिया जनवरी का रिजल्ट बहुत खराब आया था। इसलिए अगर ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलता भी है तो मेरा आप लोगों से यह सजेशन होगा, सिर्फ सुझाव है, बाकी आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा यह सुझाव रहेगा कि अगर आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलता है तब भी आप ऑप्ट आउट ना करें। इसीलिए बेटे आप अपने आप को, यस सर जनवरी का बहुत कम रिजल्ट आया था, बेटे जनवरी का रिजल्ट कम क्यों आया था इसका कारण पता है आपको? पूछो ना बेटे क्यों कम आया था, वही बताता हूं आज। चलो बेटे इस पर भी डिस्कशन हो ही जाए। नहीं करेंगे सर जी। क्यों सर? हाँ खुशी ने पूछा क्यों सर बेटे। हाँ यानी खुशी बेटे उस दिन से आज तक जवाब ढूंढ रही है कि जनवरी का रिजल्ट कम क्यों आया, तो बेटे आज मैं इसका जवाब देता हूं जनवरी का रिजल्ट कम क्यों आया। जनवरी के पेपर को अगर आप दिसंबर के पेपर से कंपेयर करोगे तो लगभग जनवरी के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो दिसंबर के क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। आप बेटे कंपेयर करके देखना, जनवरी 2021 का अकाउंट का पेपर दिसंबर 2020 के एग्जाम के पेपर से कंपेयर करके देखना। जनवरी 2021 के अंदर एग्जाम पेपर जो आया था वो दिसंबर 2020 के एग्जाम पेपर से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन था। हाँ आंसर चेक होने में लीनियंसी नहीं थी। हाँ बेटे ये हुआ था, ये सही जवाब है। बताओ सर क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि उनका कहना यह था कि जब हम जनवरी में आपको जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं वो दिसंबर के क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता है, तो एक तो आपको एक महीने एक्स्ट्रा पढ़ने का समय मिला है, दूसरा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो भी आपको देखने का समय मिल गया है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने कहा कि आपके जो आंसर्स होंगे उनका पैरामीटर एकदम हाई होना चाहिए। अब तो बेटे आपके फॉर्मेट को, आपके वर्किंग नोट को, आपके आंसर में खींची गई लाइनों को हम खोद खोद के चेक करेंगे बेटे। और इस बार जब जनवरी में कॉपी चेक हुई ना तो इंस्टीट्यूट ने एक भी गलती को नहीं बख्शा, जहां जहां एक नंबर काट सकते थे उन्होंने घसट घसट के नंबर काटे बेटे, मर मर के घिस घिस के नंबर काटे। इसीलिए बेटे चेकिंग बड़ी टफ हुई थी जनवरी के पेपर की, और कायदे से जो जनवरी के पेपर की चेकिंग हुई थी ये हमारे इंस्टीट्यूट के कॉपी चेक करने का लेवल है, ठीक। इसीलिए बेटे जनवरी में एग्जाम का रिजल्ट बहुत टफ आया था, सिर्फ सीए फाउंडेशन नहीं बेटे इंटरमीडिएट के अंदर। और जनवरी में भी जब भी बेटे दिसंबर में और नवंबर में मुझसे स्टूडेंट पूछते थे कि सर ऑप्ट आउट करूं कि नहीं करूं, तो खासकर मैंने अपने इंटरमीडिएट के जितने स्टूडेंट को बोला बेटे ऑप्ट आउट मत करना, और फिर भी जिन्होंने मेरी बात मान के ऑप्ट आउट नहीं किया उनका पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया, एक ही झटके में ग्रुप निकल गया बेटे उनका। और जिन लोगों ने बात को ना मानते हुए फिर भी ऑप्ट आउट कर गए जनवरी में बेटे सारे के सारे निगेटिव रिजल्ट में बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ 1.5% 2% का रिजल्ट था इंटरमीडिएट का, ये हालत थी। इसलिए बेटे ऑप्ट आउट मत करना अगर ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा भी तो। चलो बेटे अपने क्वेश्चन में वापस आओ, तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, लेकिन आई थिंक कि आपने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया होगा कि हमें ना तो एग्जाम को पोस्टपोन होने देना है और ना तो ऑप्ट आउट का ऑप्शन चूज करना है। ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये 6, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था यार? हाँ 5 ही, ये इसके पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 4th किया था, क्वेश्चन नंबर 5 जयेंद्र अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 4th किया था एंड ऑन 30 जून 2004 बट द एक्चुअल स्टॉक वाज टेकन ऑन 8th जुलाई 2004, यानी इनको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चाहिए 31 मार्च की लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई है 8th जुलाई 2004 की, ऑन विच डेट?
ऑन विच डेट इट इज वैल्यूड एट 29,700. फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच एंड द रिटर्न इनवर्ड आर एंटर्ड इन द क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड ऑन द डे गुड्स आर रिसीव्ड बैक. Purchases are entered in the purchase book on the date of invoices are received. Sale from 1st April 2007 to 1st July 2004 to 8th July 2004 are rupees 34,400. Purchase from 1st July 2004 to 8th July 2004 were of rupees 2,640, out of which costing rupees 240 was not received up to 8th July. Invoices for the goods purchased up to 30th June were of rupees 2000, of which goods worth rupees 1400 were received between 1st July 2004 to 8th July 2004. Rate of gross profit 33.33% on cost. बेटे ऐसा ही लग रहा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का सिमिलर क्वेश्चन है ये. अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन की वर्डिंग्स भी एकदम सेम है, सिर्फ डेट बदली है, अमाउंट बदला है. इनफैक्ट जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनका ऑर्डर भी क्वेश्चन में वही छपा हुआ है. और अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आया था मई 2019 में और क्वेश्चन नंबर 5 ये आया है मई 2005 में. देखो अच्छे से, मई 2005 का क्वेश्चन नवंबर 2019 में आया है बेटे. तो सर इस क्वेश्चन का क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारे बताता हूं मन के भाव. सर इस क्वेश्चन को होमवर्क में देना चाहिए. बस बेटे आपके मन में यही चल रहा था, सर होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो. बेटे मेरा तो बड़ा मन था इस क्वेश्चन को क्लास में करवाने का, लेकिन बेटे मुझे पता था कि मैं जैसे ही बोलूंगा आओ बेटे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप मुझसे झगड़ने बैठ जाओगे, आप मुझसे लड़ाई करने लगोगे, नहीं सर ऐसे थोड़े ना होता है, हर क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, पेपर हमको देना है, हम सॉल्व करेंगे. तो बेटे लड़ो मत, झगड़ो मत, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपकी बात मानते हुए, आपकी मन की बात सुनते हुए मैंने आपको होमवर्क में दिया. तो क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन का 14 साल का वनवास. हाँ बेटे क्वेश्चन का 14 साल का वनवास कह सकते हो आप. अच्छा तो बेटे थर्ड और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आपके दो क्वेश्चन में आज आपको होमवर्क में दे रहा हूं. यहां पर मैं अपनी क्लास को रोक रहा हूं. अपनी क्लास को रोकने के पीछे का रीजन ये है कि फॉरवर्ड कैलकुलेशन और बैकवर्ड कैलकुलेशन के ऊपर आज हमने डिस्कशन किया है, मैंने आपको पूरे कंसेप्ट डिटेल में क्लियर किए हैं सारे. अभी ये क्या हो गया, हाँ सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में क्लियर कर दिए हैं. अब अभी होमवर्क करने मत बैठ जाना, ना लाइक नहीं तो पता लगा अभी होमवर्क करने बैठ गया. अभी होमवर्क करने नहीं बैठना, अब आप उठें, खाना वगैरह खाएं, दूसरा सब्जेक्ट आपको जो भी पढ़ना है पढ़ें, नितिन सर की क्लास है जो कोई भी क्लास है अब क्लास को आप अटेंड करें. क्लास को अटेंड करने के बाद लगभग 3 से 4 घंटों के बाद आप इन दोनों क्वेश्चन के होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करें. 3 से 4 घंटे के बाद आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. शाम को करें, रात को करें, कल सुबह जल्दी उठ के करें. 9:45 को हमारी क्लास है, उसके पहले कभी भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. लेकिन क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क करने के पहले मिनिमम 4 घंटों का ब्रेक होना चाहिए. सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज हमारी क्लास के अंदर जो डिस्कस हुआ है अगले 4 घंटों के अंदर लगभग 50-60% आपके दिमाग में से उड़ जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा. हाँ लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पीछे के दिमाग में, छोटे दिमाग में स्टोर रहेगा. तो जब 4 घंटे बाद आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है उसको वापस खींच के लाने में आपको थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और फिर आपके दिमाग में एक प्रोग्राम फिट हो जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए इसको रिकॉल करने की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए. तो इसलिए कम से कम 4 घंटे के बाद आप इसका होमवर्क करें. कल हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है. नया टॉपिक मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन और बाकी हैं, वो 2 टाइप के क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस करने हैं. यानी इन्वेंटरी वैल्यूएशन सेम डेट को होगी विद द सेम विद सम एडजस्टमेंट, और उसके बाद इन्वेंटरी और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना है जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो ये होगा हमारा कल की क्लास का शेड्यूल. आज की क्लास के लिए बेटे बाय बाय. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर, टेक केयर. टेक केयर बेटे, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, होमवर्क जरूर करें. कल की क्लास में पहले हम दोनों क्वेश्चन के होमवर्क को चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तब तक बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू बेटे, थैंक्स टू यू ऑल्सो.